नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए तरह का डोसा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और इंस्टेंटली बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी टमाटो डोसा। टमाटो डोसा जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और इंस्टेंटली बनता है। इसे आप बस तुरंत ही, इसे कुछ भिगाना नहीं, कुछ पीसना नहीं, बस फटाफट आप जब भी चाहें इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसके साथ खाने वाली मैं नारियल की चटनी भी आपको बनाना बताऊंगी, जिसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए, हमने इसे बनाने के लिए लिया है 3 टमाटर ले लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च है, हमने एक प्याज बारीक काट के ले लिया है, ये आधा कप हमने चावल का आटा लिया है, 1/4 कप हमने गेहूं का आटा लिया है और आधा ही कप हमने ये सूजी ले ली है। इसके साथ ही हमने ये क्रश करी हुई आधा चम्मच काली मिर्च ली है, ये हमने जीरा ले लिया है आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक लिया है हमने और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच हमने हरा धनिया बारीक कटा हुआ ले लिया है। तो हमें सबसे पहले ये टमाटर, हरी ये जो मिर्च और अदरक, इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे पीस के एकदम बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो सारे टमाटर हम ऐसे रफली चॉप करके डाल देते हैं मिक्सी में और इसके साथ ही ये मिर्ची डाल देंगे और ये अदरक को भी छोटा करके डाल देते हैं जिसमें ये बारीक हो जाए। कभी कभी क्या होता है, बड़ी सी अदरक डाल दो तो वो पिसती नहीं, तो छोटी करके डाल देंगे और इसे बिना पानी डाले ही ऐसे ही पीस लेंगे, क्योंकि टमाटर में बहुत पानी होता है। तो ये देखिए एकदम अच्छा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, कोई भी इसमें पीस नहीं है टमाटर या अदरक का। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें मिला देते हैं। ये हमने आधा कप जो सूजी ली थी वो इसमें मिला देते हैं, आधा कप हमने राइस फ्लावर जो लिया था मिला देते हैं, ये 1/4 कप गेहूं का आटा, इसके साथ में हमें प्याज मिला देते हैं, ये पेपर डाल देते हैं, जीरा और नमक मिला देते हैं, धनिया भी मिला देते हैं और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमें इसमें करीब लगेगा 3 कप पानी। तो अभी हमने इसमें 1.5 कप के करीब ये जार को धो के पानी डाल दिया है और इसे हम देखिए अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं जिसमें ये गुलथियां ना रहे। आधा कप पानी हमने इसमें और डाल दिया और अभी भी ये हमें गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम इसे भीग जाने देते हैं, इसे थोड़ा सा ढक के रखेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी का पानी मिलाएंगे। तो इसके साथ हम ये चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने ये 1/4 कप के करीब नारियल ले लिया है, 1/4 कप ही हमने ये भुना हुआ चना लिया है, 1 इंच अदरक है, 2 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हमने लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हरी धनिया, ये सारी चीजें डाल देते हैं मिक्सी के जार में। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। बस 2 चम्मच दही डालेंगे और 1/4 कप के करीब पानी डाल के और इसे हम पीस लेंगे, तो बस हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये डोसे का मिश्रण हमारा भीग गया है और ये देखिए ऐसा रनिंग सा बैटर चाहिए। तो टोटल हमने इसमें 3 कप पानी का यूज किया है। हम इससे डोसा बना लेते हैं। तो हमने तवा गरम कर लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा 2 बूंद तेल डाल के हमने इसे टिश्यू पेपर से पोंछ लिया। हम एक कटोरी में हमने ये बैटर लिया और इसके ऊपर इस तरह से फैलाते हुए डाल दिया है। हमें इसे कटोरी से नहीं फैलाना है, बस गिराते हुए पूरे तवे पे फैला देना और आंच एकदम तेज रखनी है। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसे सिकने देंगे मीडियम आग। अब आज हमने मीडियम आग कर दी है और इसे क्रिस्पी हो जाने तक सेकेंगे। तो ये देखिए, ये एकदम अच्छा सा हमें क्रिस्पी दिख रहा है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो ये डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे आप नारियल की जो चटनी हमने बनाई थी उसके साथ सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये बनता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए या फिर डिनर के लिए जब भी आपका मन करे इसे बनाए, खिलाए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।